नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारी खास चर्चा सवाल तो पूछेंगे में। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर नुसरत परवीन सिद्दीकी। सितंबर और सितम, जी हां, मध्य प्रदेश के लिए सितंबर का महीना किसी सितम से कम नहीं रहा। लगातार हुई बारिश ने जहां लोगों को जीना दूभर कर दिया, तो वहीं राजनीति भी खूब शबाब पर रही। बाढ़ से प्रदेश के जो जिले सबसे ज्यादा प्रभावित हैं उनमें मंदसौर और नीमच शामिल है। सोमवार की सुबह सीएम कमलनाथ खुद बाढ़ पीड़ितों के बीच पहुंचे और उन्होंने राहत की घोषणा भी की। इसी पर आज हम करेंगे चर्चा, लेकिन चर्चा से पहले देखें हमारी रिपोर्ट। सितंबर और सितम, जी हाँ, मध्य प्रदेश के लिए सितंबर का महीना किसी सितम से कम नहीं रहा। लगातार हुई बारिश ने जहां लोगों का जीना दुभर किया, वहीं राजनीति भी खूब शबाब पर रही। बाढ़ से प्रदेश का जो जिला सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ उनमें मंदसौर और नीमच शामिल थे, जहाँ बाढ़ के कहर ने त्राही त्राही मचा दी। सीएम कमलनाथ खुद सोमवार को मंदसौर और नीमच पहुंचे। अभी तक मंदसौर जिले में 2,73,000 हेक्टेयर की सोयाबीन की फसल पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है। उड़द, मूंग, मक्का और अन्य फसलें भी खराब हुई हैं। प्रदेश सरकार ने केंद्र की मदद का इंतजार किए बिना राहत देने का काम 22 सितंबर से शुरू कर दिया है और अगले 15 अक्टूबर तक हर प्रभावितों को मदद दे दी जाएगी। मुख्यमंत्री कमलनाथ का ऐलान, नीमच मंदसौर के बाढ़ पीड़ितों के बिजली के बिल माफ किए जाएंगे। 8,000 से 30,000 रुपए तक प्रति हेक्टेयर के हिसाब से किसानों को मुआवजा। सभी प्रभावित किसानों के खाते में 15 अक्टूबर तक पहुंचेगी राशि। प्रभावित किसानों को रबी की फसल के लिए उच्च गुणवत्ता के बीज उपलब्ध होंगे। पशु चारे की व्यवस्था भी सरकार करेगी। जिनके मकान बाढ़ में टूट गए हैं उन्हें 1.5 लाख रुपए तक की मदद दी जाएगी। जिन बाढ़ पीड़ितों का बीमा है ऐसे 54,000 किसानों को तत्काल बीमा राशि देने के निर्देश दिए गए। हम वचनबद्ध हैं, हम आपके साथ खड़े हैं और हमेशा खड़े रहेंगे। हमने तय किया है कि केवल मुआवजे नहीं दिया जाएगा, आरबीसी में 30,000 रुपए तक पर सीमित समय में दिया जाएगा। पर हमारी प्राथमिकता हमारे किसान है, हमारे नौजवान है। ये जो नौजवान खड़े हैं ये हमारी प्राथमिकता है। शिवराज जी कल गए थे और वो लेफ्ट चले, विधायक और बीजेपी के जनता से लड़ाई हुई उनके सामने, तो ये इनकी नौटंकी थी, नौटंकी समाप्त हुई। अब कमलनाथ जी, हम मुख्यमंत्री जी गए, वो पूरी सहायता और राहत का निरीक्षण करेंगे और जो जो कमी है उसको पूरे करने के आदेश देंगे। कि कमलनाथ ने इस दौरान मीडिया से चर्चा करते हुए कहा, मैं यहाँ भजन गाने नहीं आया हूँ, हमारी सरकार प्रभावितों के प्रति प्रतिबद्ध है और जल्द ही प्रभावितों को उचित मुआवजा दे दिया जाएगा। हम सबको राहत पहुंचाएंगे, उनका जो दुख दर्द और असुविधा है आप नीचे करो उसका हम निराकरण करेंगे। मैं यहाँ कोई गाने बजाने भजन कीर्तन के लिए नहीं आया, मैं राहत पहुंचाने आया हूँ। और मैं फिर एक बार दोहराता हूँ, पूरे प्रदेश के बाढ़ पीड़ितों के लिए अभी तक फूटी कौड़ी नहीं दी गई है बाढ़ प्रभावित क्षेत्र की जनता को। तत्काल 25,000 रुपए की अंतरिम राहत, 50 किलो गेहूं और 5 किलो मिट्टी का तेल केरोसिन दिया जाए। घरेलू सामान का सर्वे करके कुछ नहीं बचा, सब तबाह हो गया। कपड़े लत्ते बर्तन भांडे घर मकान जड़ सहित उखड़ गए। घरेलू सामान के नुकसान का भी आकलन करें और आकलन करके उसकी भरपाई करें, मुआवजा दें। गौरतलब है बीजेपी ने पहले ही इलाके का दौरा कर बाढ़ प्रभावितों के बीच पहुंचकर प्रदेश सरकार को आड़े हाथों लिया था और ड्राइविंग सीट पर सवार थे पूर्व सीएम शिवराज, जिन्होंने प्रभावितों के बीच पहुंचकर बयानों की बौछारें कर दी थी। शिवराज ने तो यहां तक कहा था, केंद्र सरकार ने प्रदेश को 1,000 रुपए की राहत राशि आवंटित की है, प्रदेश सरकार ही राशि देने में लेट लतीफी कर रही है। हालांकि उनके इस बयान पर कैबिनेट मंत्रियों ने खूब पलटवार किए। वो दिन भी आया जब प्रभावितों को लेकर बीजेपी ने हल्ला बोला और पूरे प्रदेश में सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया गया। इसी कड़ी में शिवराज मंदसौर में थे और यहां धरना दिया गया और रात को भजन मंडली के साथ उन्होंने भजन भी गाए। बहरहाल सितंबर के सितम के बाद प्रभावितों को कब तक उचित मुआवजा मिलेगा, ये देखने वाली बात होगी। डेस्क रिपोर्ट, TNN।
तो इसी सब पर आज करेंगे चर्चा, और चर्चा में हमारे साथ मेहमान शामिल हैं, उनसे आपका परिचय करवा दूं। पहले हमारे साथ है मिथुन अहिरवार, प्रवक्ता है कांग्रेस के, बहुत स्वागत है मिथुन जी आपका। महेश शर्मा, प्रवक्ता बीजेपी, बहुत स्वागत है आपका। रमेश शर्मा जी, संपादक सलाहकार है डीजीआना मीडिया ग्रुप के, बहुत स्वागत है रमेश जी। आप मिथुन, आपसे शुरुआत करेंगे। जिस तरह काफ़ी मांग के बाद विपक्ष की अगर बात करें, कई दिन से ये मांग सामने आती रही है कि कुछ राहत पहुंचाए सरकार पर, आज शुरुआत हो गई है। 22 से 15 अक्टूबर तक राशि वितरण की घोषणा सीएम ने कर दी है, बड़े ऐलान किए हैं। समझना चाहेंगे कि जब इस तरह के ऐलान भी वो कर रहे हैं और बार बार खाली खजाने की बात भी सामने आती रही है, तो किस तरह वो बाढ़ पीड़ित जो है उन पर मरहम रखेंगे? देखिए, जो बात कही जा रही है कि बाढ़ पीड़ितों की जो मांग है, बिल्कुल जायज़ मांग है, मांग की जानी चाहिए, और बिना मांग के भी हमारी सरकार का ये मत है कि उनको ये मदद पहुंचाई जानी चाहिए। एनडीआरएफ की टीम, एसडीआरएफ की टीम, जिला प्रशासन, नगर निगम या जो भी नगरीय निकाय हैं, सब लोग इस काम में लगे हुए हैं। बात दरअसल ये है कि जो मदद त्वरित रूप से पहुँचाई जा सकती है, जैसे भोजन है, कपड़े हैं, दवाइयाँ हैं, ये सारी चीज़ें तो सरकार कर ही रही है, लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी की नाटकीय राजनीति बीच बीच में आ जाती है, इस कारण हमें ये स्पष्टीकरण भी देना पड़ता है कि हमारी राज्य सरकार के पास कितना पैसा है, और केंद्र सरकार हमारा जो आवंटित होने वाला 6,500 करोड़ रुपए से ज़्यादा की राशि है, वो क्यों उस पर कुंडली मार करके बैठा है। इस मामले में आपने कहा कि जो बयान आ रहे हैं विपक्ष की तरफ से, उन बयानों का संज्ञान लेना चाहिए, बिल्कुल लेना चाहिए, लेकिन हो क्या रहा है वहाँ? बयानों के लिए या धरना प्रदर्शन के नाम पर जो नौटंकी हो रही है, जो राजनीति हो रही है, ऐसी स्थिति में मुझे उम्मीद नहीं थी कि भारतीय जनता पार्टी इस स्तर पर नीचे जाकर के राजनीति करेगी। दिन में कहते हैं हम धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, रात को भजन नौटंकी गाए, भजन गाए जा रहे हैं, नौटंकी की जा रही है, और ऐसी स्थिति जब लोगों के पास खाने के लिए भोजन नहीं है, ऐसी स्थिति में नोट उड़ाए जा रहे हैं, नाच गाना हो रहा है, क्या ये सब विपक्ष को शोभा देता है? विपक्ष की जो मांग है, मजबूत विपक्ष के तौर पर मुझे लग रहा था कि जनता के लिए कुछ मजबूत मांगे वो करेंगे और प्रमाण भी देंगे कि आपकी सरकार ने, आप ही के पैकेज में चल रहा था 1,000 करोड़ रुपए की राशि की घोषणा, जो कहा आवंटन बताया गया था शिवराज जी की तरफ से कि मध्य प्रदेश को हो चुकी, ऐसी कोई राशि तो मिली नहीं है। तो जब इस तरीके के झूठ बोले जाते हैं, तो हमारी सरकार का ये कर्तव्य है कि नागरिकों की जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनका ध्यान रखे, उनकी जरूरतों का ध्यान रखे, जल्द से जल्द उनकी जो मदद है वो उन तक पहुंचाई जाए, साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी का जो दोहरा चरित्र है, जो दुष्चरित्र है, उसके बारे में भी जनता को आगाह किया जाए कि ये कैसे लोग हैं। जो जनता पीड़ित है आज बाढ़ में, उस पर भी ये लोग राजनीति करना चाहते हैं। एक तरफ केंद्र से पैसा रोका जाता है, दूसरी तरफ हमारी सरकार, जितना भी हमारे सरकार की क्षमता है उस हिसाब से हम लोग मदद कर रहे हैं, हम पूरा कोऑर्डिनेशन का काम वहां पे कर रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी के लोग इसमें भी राजनीति कर रहे हैं, पहले पैसा रुकवाते हैं और यहां आकर के नौटंकी करते हैं कि भाई मदद नहीं पहुंच रही। मुझे लगता है इस तरीके की राजनीति नहीं होनी चाहिए। मैं आपसे समझना चाहेंगे, जिस तरह बात की जा रही है, सरकार बार बार कहती है कि हम पूरी तरह काम कर रहे हैं, सर्वे कर रहे हैं, और शासन प्रशासन के संपर्क में है, जिला जो प्रशासन है उसके पूरे संपर्क में किस तरह कार्य किया जा रहा है उस पर पूरी नजर बनाए हुए, पर बार बार देखा जाता है बीजेपी की तरफ से बार बार आंदोलन की बात की जाती है, घंटानाद, बार बार जगाने दबा उनका, आपकी पार्टी का भी यही कहना है कि हम जगाने की कोशिश कर रहे हैं सरकार को कि जागे और कहीं कुछ मदद पहुंचाए। सब कोशिशें बीजेपी की तरफ से भी हो रही है, कांग्रेस का भी कहना है कि हम भी पूरी कोशिश कर रहे हैं, अगर देखा जाए तो फिर भजन कीर्तन की क्या जरूरत आन पड़ी? देखिए नुसरत जी, मुझे लगता है दोनों विषयों को आप अलग अलग करके देखें। भजन कीर्तन एक ऐसा विषय है क्योंकि रात्रि जागरण होता है ग्रामीण परिवेश में, निश्चित रूप से भजन करके ही, कीर्तन करके ही अपनी रात्रि जागरण का ग्रामीण जो हमारे भाई बहन है वो करते हैं, वो उनके परंपरागत विषय होते हैं। उसको अगर आप नौटंकी के तौर पर देखते हैं तो ये आपका अपना सोच हो सकता है, ये कांग्रेस को ये सोच उनकी मुबारक हो, ग्रामीण परिवेश में उनकी जो परंपराएं हैं वो भजन के माध्यम से यदि वो अपनी रात्रि जागरण करते हैं उस पर भी कांग्रेस को आपत्ति है, तो ये कांग्रेस बहुत मुझे लगता है कि सोच के साथ आगे जा रही है, ये तो कांग्रेस तय करे। लेकिन जहाँ तक आज आपका विषय है, आपने कहा कि कमलनाथ जी ने राहत की घोषणा की, घोषणा की है निश्चित रूप से, घोषणा तो एक वो भी हुई थी जब 1, 2, 3, 4, 10 तक की गिनती गिनी गई थी और कहा गया था कि मुख्यमंत्री साफ हो जाएगा, किसान को आज दिनांक तक कर्जा माफी का लाभ नहीं मिला है, एक चीज़। दूसरी बात, अभी जो बात कह रहे हैं कि कमलनाथ जी खुद वहां पहुंचे, आज मैं सुबह से देख रहा हूं सोशल मीडिया पे कांग्रेस के प्रवक्ता ऐसे लिख रहे हैं कि कांग्रेस कमलनाथ जी खुद वहां पहुंचे, खुद वहां पहुंचे, खुद का ही जिम्मा बनता है, जिम्मेदारी आपकी है, खुद पहुंचे मतलब स्वयं भगवान नहीं है आप,
आप एक जिम्मेदार मुख्यमंत्री के नाते अगर अपनी चुनी हुई जिस जनता ने आपको चुना है उनके बीच पहुंचे तो आपने एहसान नहीं किया है। आप अगर 15-20 दिन बाद जब वो बाढ़ से करा रही है जनता, बाढ़ से करा रहा है किसान, तब आप वहां अगर पहुंच के इस प्रकार की बात करते हैं तो आप कोई उनके ऊपर एहसान नहीं कर रहे हैं। आपका दायित्व है, आपका कर्तव्य है, एक बात। दूसरी बात, आपने जो कही कि उन्होंने कहा कि 22 तारीख से हम जो है ये प्रारंभ कर देंगे, 22 तो मुझे लगता है आज तो वो पहुंचे हैं, 22 तो पूर्व में निकल चुकी है, 15 अक्टूबर कहा है। अभी जो बात आई कि केंद्रीय दल जो आया था जनदल, उनको इन्होंने आज दिनांक तक रिपोर्ट नहीं सौंपी है। उसका जवाब हम मिथुन जी से ले लेंगे, पर हम ये समझना चाह रहे थे जहां बात कर रहे हैं पीड़ितों के बीच में जाने की बात कर रहे हैं, उनके मरहम की बात कर रहे हैं, उनके राहत की बात कर रहे हैं, पर जरूरत क्यों भजन कीर्तन की? उसको उत्सव से जोड़ के देखना तो मुझे लगता है बहुत ही अलग होगा। किस परिपेक्ष में आप उत्सव से देख रहे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ ये देश इस प्रकार का देश है जहाँ पे आपने, मैं ग्रामीण प्रवेश से ही आता हूँ, रायसेन जिले में मेरा गांव है। रात्रि में जब ग्रामीण अपने मनोरंजन के दृष्टिकोण से या रात्रि का हाँ बिल्कुल मनोरंजन के, अगर हम वहाँ पे रात्रि जागरण कर रहे हैं तो भजन कर रहे हैं भगवान का, भैया वहाँ पे कोई इस प्रकार का अश्लील काम तो नहीं हो रहा है जो आपकी सरकार में जिनकी आप जांच कराने से बच रहे हैं, ऐसे ऐसे काम नहीं हो रहे थे वहाँ पे, भगवान का भजन किया जा रहा था। एक बात दूसरी बात, मैं तो आपको ही मौका दूंगी, पहले सुन लेती हूँ। नुसरत जी, पूरे विषय में कांग्रेस केवल और केवल राजनीति करती रही, केंद्र के ऊपर ठीकरा फोड़ने का काम करती रही, 385 करोड़ का दावा मंत्री करते रहे, एक एक पाई वहां पहुंचनी चाहिए थी उसकी इन्होंने चिंता नहीं की, मॉनिटरिंग नहीं की, केवल लब्बाजी करके भारतीय जनता पार्टी पे आरोप लगाने से काम नहीं चलेगा, ग्रास रूट लेवल पे जाना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी की आप बात कर रही है, 17 तारीख को माननीय प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह जी ने समस्त जिलाध्यक्षों को पत्र लिखा और नीमच और मंदसौर में विशेष रूप से इस बात को कहा कि हमारे कार्यकर्ता तत्काल वहां भोजन और अन्य सामग्री अन्य संसाधनों से जुटा के पहुंचाएं, क्योंकि सरकार वहां पे भी सोई हुई है। पहुंचा दिया जिला बिल्कुल पहुंचा है, हमारे कार्यकर्ता प्रत्येक घर घर गए हैं, हमारे कार्यकर्ताओं ने समाज से योगदान लेके भी वहां पे मदद करने का काम किया जब कांग्रेस के कार्यकर्ता आपस में लड़ रहे थे। ये अंतर है, ये अंतर है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का, हम सदैव जनता के बीच रहते हैं, इस प्रकार की कोरे लब्बाजी में हमारा कोई विश्वास नहीं। चलिए आगे समझ लेंगे क्या कुछ कर रही है पार्टियां दोनों अलग अलग, अगर बात करें तो पहले हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार, उनसे समझ लेते हैं। रमेश जी, जैसा कि बात की जा रही है, सरकार का कहना है आज 22 से 15 अक्टूबर तक जो राहत राशि है लोगों तक पहुंचा दी जाएगी, जो ज़रूरतमंद है, जो पीड़ित लोग हैं उनके जो नुकसान हुआ उसको भरपाई की जाएगी। हम समझना चाहेंगे राहत राशि की बात कर रहे हैं और केंद्र सरकार से का भी कह रहे हैं सरकार एक तरफ से कि हमें अभी उनका इंतजार भी नहीं करना, हम अपने तरीके से राहत पहुंचाएंगे, तो हम समझना चाहेंगे खजाना खाली की बात भी सामने आ रही, तो किस तरह पूरा किया जाएगा ये चूंकि घोषणा की जा रही है। देखिए, मोटे तौर पर आज जो मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है मंदसौर जाकर के, इसे संतोषजनक माना जाना चाहिए। हालांकि ये बात सही है कि ये घोषणा करने में सरकार भी लेट हुई, उसका कारण ये है कि मुझे पता नहीं क्यों ये लगता है कि दोनों ही तरफ, कांग्रेस और भाजपा, उन दोनों ने ही बाढ़ पीड़ितों के दर्द पर कम बातचीत की है, एक दूसरे पर आरोप लगाने पर ज़्यादा उन्होंने अपनी एनर्जी लगाई है। ऐसे मामलों में अक्सर ऐसा होता है कि दोनों सरकारें किसी का इंतज़ार नहीं करती। कई बार क्या रहता है, केंद्र से अगर मदद देर से आई तो राज्य सरकार अपने संसाधन से पीड़ित क्षेत्रों में पैसा पहुंचाती है, और कई बार केंद्र सरकार भी इस बात का इंतजार नहीं करती कि रिपोर्ट आएगी तब वो पैसा जारी करेगी। और अभी जब देखा जाए, केंद्र सरकार की आपने बात की, तो देखा जाए तो कुछ दिन हो गए, हाँ, सर्वे किए, केंद्र की टीम आके जा चुकी, क्या केंद्र की तरफ से कोई मदद मिल पाई अब तक? वही मैं कह रहा हूँ, कई बार केंद्र सरकार भी बिना इंतजार किए हुए पैसा रिलीज कर देती है, टेंटेटिव फंड रिलीज कर देती है कि भाई अभी आपके यहाँ आइए, जब आपकी रिपोर्ट आएगी तब देखेंगे, अभी टेंटेटिव आप 5 रुपए तो पकड़ो, मतलब एक मैंने फिगर दिया है। तो मैं समझता हूं दोनों ही सरकारों ने इस जल्दबाजी में, इस त्वरितता में कहीं ना कहीं पीछे हटी सरकारें। राजनीतिक स्तर पर कांग्रेस भी बहुत आगे रही है आरोप लगाने में, भाजपा भी बहुत ज्यादा आगे रही है आरोप लगाने में, लेकिन फिर भी आज जिस तरीके से मुख्यमंत्री गए हैं और उन्होंने घोषणाएं की हैं कि 15 अक्टूबर तक, हालांकि ये उनकी बातचीत से क्लियर नहीं है कि ये राहत राशि 15 अक्टूबर तक बढ़ चुकेगी या 15 अक्टूबर से बटना शुरू होगी, 22 से 15 तक कहा जा रहा है। हाँ, ये जो है ये आज की घोषणा उनकी संतोषप्रद। मैं समझता हूँ कांग्रेस संगठन को भी अब भाजपा पर आरोप लगाने के बजाय इस बात की चिंता करनी चाहिए
चाहिए कि कहीं ना कहीं प्रशासन तंत्र जो है वो इस मामले में लापरवाही ना करे और कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी प्रशासन तंत्र पर वो हर जिले में निगरानी रखे, न केवल नीमच में और मंदसौर में, बल्कि बाढ़ अगर आप देखेंगे तो पूरे इंदौर संभाग में बाढ़ रही है, पूरे भोपाल संभाग में बाढ़ रही है, पूरे उज्जैन संभाग में बाढ़ रही है, आंशिक रूप से ग्वालियर में भी रही और पूरे प्रदेश भर में भी रही। तो कुल मिलाकर के हर जिले में, यानी प्रदेश के जो 51 जिले हैं उसमें से 37 जिलों में भयानक बाढ़ आई हुई है। तो मैं समझता हूं केवल मंदसौर और नीमच की बात ना हो, पूरे 37 जिलों में कांग्रेस संगठन को भी इस पर रखना चाहिए और भाजपा को भी ये निगरानी रखना चाहिए कि किसी प्रकार की कोताही ना हो, और सरकार अगर कहीं कर रही है तो किस तरीके से कर रही है वो उस पर निगरानी रखें और कांग्रेस के लोग उसमें सहयोग करें। मैं समझता हूँ इस समय संकट की घड़ी है और इस संकट की घड़ी में राजनीति से ऊपर उठ करके एक दूसरे को सहयोग करके काम करने की जरूरत है। ये जी मैं तो देखिए, रमेश जी ने बहुत ही अच्छी, बहुत ही पॉजिटिव बात की और हमारी सरकार उसी दिशा में अपने कदम बढ़ा रही है। दिक्कत ये है कि जब हमारी सरकार की तरफ से राहत राशि जो कि उन लोगों का अधिकार है वो पहुंचाई जाती है और उसके बाद राजनीतिक बयानबाजी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से की जाती है, क्योंकि मुख्यमंत्री जी से स्वयं इस तरीके के सवाल पूछे जा रहे थे कि शिवराज जी ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, इस कारण उनको ये जवाब देना पड़ा। हम भी चाहते हैं कि ऐसे समय पर ना राजनीति हो, ना जो लोग हैं उनके जख्मों पर मरहम लगाने के बजाय नमक ना लगाया जाए कम से कम। लेकिन एक बात आपने देखी होगी, दो शब्द महेश जी ने उपयोग किए थे, पहला नौटंकी, कि मैंने ये कहा ये बात नौटंकी हो रही है, दूसरा शब्द भी बताऊंगा उन्होंने क्या बोला था। पहला उन्होंने कहा नौटंकी, नौटंकी भजन कीर्तन नहीं होती है, भजन कीर्तन तो बड़े आस्था की बात होती है और बड़े खुशमय माहौल में होते हैं। हमारा यही कहना है कि दिन में आप ये धरना प्रदर्शन करते हैं और रात में भजन करने लग जाते हैं। भजन कब होते हैं? भजन होते हैं एक उत्सव के माहौल में, एक खुशी के माहौल में। क्या ये उत्सव और खुशी का माहौल है कि लोग हमारे भाई बहन बाढ़ में पीड़ित हो रहे हैं, ये क्या उत्सव का माहौल होता है? दूसरी बात, महेश जी स्वयं स्वीकार कर गए कि वहां मनोरंजन हो रहा है, मनोरंजन की वजह से ये गतिविधियां हो रही। तो हमारा यही तो कहना है कि ऐसा समय जब हमारा भाई बहन वहां पर पीड़ित हैं, किसी को दवाई चाहिए, किसी को वहां भोजन चाहिए, किसी को कपड़े चाहिए, ऐसे समय में भारतीय जनता पार्टी के लोग मनोरंजन वहां कर रहे हैं, इस तरीके की राजनीति के तो हम लोग खिलाफ है। हमारा तो कहना है कि आइए कदम बढ़ाएं आगे, एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम तो लगी हुई है भिंड में 4 गांवों में, हमने सेना को बुला करके लोगों को वहां से रेस्क्यू करवाया है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो नौटंकीबाज नेता ये बात करते हैं कि हमारे आरएसएस के कार्यकर्ता कहीं भी देश में बड़ी कैलमिटी आ जाती है तो हमारे आरएसएस का कार्यकर्ता वहां मौजूद होता है, एक गांव बता दें जहां एक आरएसएस का कार्यकर्ता गया हो और उसने कहीं किसी बाढ़ पीड़ित की मदद की हो। यही कारण है कि राकेश सिंह जी को भी पत्र लिखना पड़ा कि हमारे कार्यकर्ता जाएं, आरएसएस के कार्यकर्ता नहीं जा रहे हैं, बीजेपी के कार्यकर्ता अब कम से कम जाएं और लोगों की मदद करें। उसके बाद भी इनके नेताओं के कान पर जू नहीं रहेंगी और महेश जी ने बहुत अपने शब्दों में बिल्कुल मां सरस्वती इनकी वाणी पर विराजमान हो गई कि वहां मनोरंजन चल रहा था। इसी कारण राकेश सिंह ने मदद पहुंचाई। नहीं, मैं वही कह रहा हूं ना नुसरत जी, पहले यही कहा जाता था, मेरी बात खत्म हो जाने दीजिए महेश जी, पहले यही कहा जाता था कि आरएसएस का कार्यकर्ता तो हर नेचुरल केयर, मतलब एनडीआरएफ एसडीआरएफ छोड़ दीजिए, अर्थक्वेक हो तो आरएसएस का कार्यकर्ता वहां खड़ा मिलेगा, बाढ़ हो तो आरएसएस का कार्यकर्ता खड़ा मिलेगा, मुंबई में टेररिस्ट घटना हो तो वहां बचाने आरएसएस का कार्यकर्ता अपनी लाठी लेकर के चले जाता है। आज कहां है वो आरएसएस के कार्यकर्ता? हमारी तो सरकार पूरी जिम्मेदारी से लोगों को पहुंचा रही है, लेकिन आप भी तो बताइए कि पत्र क्यों लिखना पड़ रहा है। और ये जो आपने स्वयं स्वीकार किया है कि मनोरंजन, क्या ये मनोरंजन और उत्सव का समय है या कि ये शोक का समय है और दुख का समय है? दुख का समय है आपके झूठ को, नहीं तो आप इस बारे में आप इतने ना लें, मुझे अपनी बात पूरी करने दीजिए। मैं बिल्कुल रिपीट करूंगा, आपने कहा मनोरंजन किया जा रहा है, आपने अपनी चीजें सामने रख दी, अब महेश जी का मौका दीजिए, वो भी बताएं कि क्या कुछ मनोरंजन की बात अगर उन्होंने कही। आप ये बताएं मुझे, मैं थोड़ा आपसे पूछना चाहता हूँ, आप भी इबादत करती हैं, मैं भी कहीं ना कहीं भगवान को मानता हूँ, और हम लोग सबसे ज्यादा कब ईश्वर को याद करते हैं? जब हम कष्ट में होते हैं, बाढ़ जैसी इतनी भीषण कष्ट जब हमारे ऊपर आता है तो यदि हम भगवान के भजन करते हैं, अरे भैया तो भजन क्या करेंगे हम कष्ट में भगवान को याद करने के लिए क्या करेंगे? उस समय गलत ट्रैक पे जा रहे हो भाई, गलत ट्रैक पे जा रहे हो अर्जुन जी, सरकार से मांग कर रहे हैं लोग पर हाथ दे, ईश्वर से मांग कर रहे हैं लोग पर हाथ दे। महेश जी आप अपनी बात देखिए, निश्चित रूप से जब कष्ट में आदमी होता है तो ईश्वर को याद करता है,
है, तो उसी तारतम्य में यदि माननीय शिवराज जी के साथ बैठ के ग्रामीणों ने वहां पे अगर भजन किया, भगवान को याद किया, तो उसमें कांग्रेस को कष्ट हुआ, ये अच्छी बात है। ये कांग्रेस का आंतरिक विषय है, इनको भगवान के नाम से वैसे भी बहुत कष्ट होता है। नहीं नहीं, आपको बहुत कष्ट होता है मिथुन जी, अपने समय में आपने बहुत बोला है, अब धैर्य पूर्वक धारण करें मिथुन जी, मिथुन जी तरीका ठीक नहीं है, धैर्य धारण करें, आपको धैर्य पूर्वक सुना है मैंने, बिल्कुल धैर्य से सुनिए जरा, आपको फिर मौका देंगे बोलने का। पर अभी यहाँ देखिए नुसरत जी, सबसे पहले आपको बता दूं, कमलनाथ जी एसी रूम से निकले, बहुत अच्छी बात है, मंदसौर तक पहुंचे और अच्छी बात है, लेकिन उसके पीछे का कारण समझने की आवश्यकता है। कल या परसों में श्रीमान ज्योतिरादित्य सिंधिया भी वहां जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो लीड ना ले लें। आंतरिक लड़ाई बहुत जो चल रही है ना गुटों में, वो सारी चीजें दिखाई दे रही है। सिंधिया जी पहुंच गए तो इनके नंबर कम हो जाएंगे जनता के बीच, तो उनको इस प्रकार का जो उनके सलाहकार ने बताया कि सिंधिया जी से पहले कम से कम आप एसी रूम से बाहर निकल के मंदसौर तक हो जाए, तो ये कहीं ना कहीं कारण है। बाकी कांग्रेस के अंतर द्वंद जो है वो प्रदेश की जनता भली भांति देख रही है। महेश जी, मिथुन जी, आपको मौका दूंगी, पहले सवाल बात करें कि मध्य प्रदेश की बड़ी संख्या में जनता ने विश्वास जताया भारतीय जनता पार्टी पर और 26 सांसद चुन के बोले आए। अब बात करें, जैसा कि सर्वे टीम की हमने बात की, केंद्र की तरफ से सर्वे टीम आई, उसने अपना काम किया, चली गई, तो क्या अब भजन कीर्तन करने से बेहतर, जैसा कि सरकार मांग कर रही है कि जाए केंद्र से कुछ मांग करे, तो क्या ये सब भी किया जा सकता है, इससे भी मदद पहुंच सकती है उन? नुसरत जी, जब 28 सांसद चुने तो सांसदों की जिम्मेदारी है और सांसद अपना काम कर रहे हैं, टीम भी आई है, टीम ने अपनी रिपोर्ट भी दी है 24 तारीख जो कि कल है, कल मध्य प्रदेश की सरकार अंतरिम रिपोर्ट सौंपने वाली है, उस पर केंद्र की सरकार, सरकार टू सरकार जो प्रक्रिया होती है उस पर कार्रवाई भी करेगी, बजट का आवंटन भी होगा। लेकिन शुरुआत पहले दिन से, जिस दिन से बाढ़ पीड़ितों को राहत देने की बात आई, सीधे आपने केंद्र पे बिना चिट्ठी लिखे आरोप लगा दिया, ये भ्रामक जो आप प्रचार करने का काम जनता के बीच करते हैं, उसका कहीं ना कहीं प्रतिकार करना भारतीय जनता पार्टी अच्छी तरीके से जानती है, क्योंकि कांग्रेस भ्रम फैलाने में बहुत माहिर है। लोकसभा चुनाव के पहले 72,000 की एक स्कीम लाते हैं, जिसके भोपाल में फॉर्म भरवा दिए जाते हैं, बांट दिए जाते हैं कि चुनाव हम जीते ना जीते आपको 72,000 मिल जाएंगे, किस प्रकार का धोखा भ्रम करने फैलाने वाली, झूठ बोलने वाली ये पार्टी है। ये दिखाई पड़ता है इनकी किस प्रकार की नियत होती है जनता को लूटने की। आप ये कह रही हैं कि हमने बात नहीं रखी, हम निश्चित रूप से, हमें एक जिम्मेदार विपक्ष की भूमिका अगर मध्य प्रदेश में मिली है तो भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं, चाहे शिवराज जी हो, राकेश सिंह जी हो, नरोत्तम मिश्रा जी हो, गोपाल भार्गव जी हो, लगातार जहां जिस प्रकार से जनता को आवश्यकता है, हमारा नेतृत्व वहां जाके जनता की आवाज उठाने का काम कर रहा है, यही भूमिका तो हमको जनता ने सौंपी है। इसी काम को यदि हम करते हैं तो कांग्रेस के मित्रों को पेट में दर्द होता है, आपको जगाने का काम कर रहे हैं। अगर वहां राहत नहीं पहुंच रही है, प्रशासन नहीं पहुंचा है, पटवारी नहीं आया है, RI नहीं आया है, सर्वे नहीं हो रहा है, तो इस बात को आपको अगर बता रहे हैं तो क्यों दर्द हो रहा है आपको? आपको उस पर कार्रवाई करनी चाहिए, यही आपका काम है, और इसीलिए आपको जनता ने इन प्रवचनों को सुनने के बाद सत्ता सौंपी है। रमेश जी, जिस तरह की बात दोनों पार्टियां कर रही हैं, जिस तरह आरोप प्रत्यारोप जब से हम देख रहे हैं, जब से बरसात शुरू हुई, बाढ़ जैसे हालात बने, लोग परेशान हो रहे हैं, या हम देख रहे हैं जब से ये चीजें शुरू हुई तब से सियासत भी गर्मा गई है काफी। दोनों पार्टियों की अगर बात करें, दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोप लगातार चल रहे हैं, अभी तक बरकरार है। हम समझना चाहेंगे क्या इस तरह की चीजों से शासन प्रशासन का ध्यान हटता है और कहीं ना कहीं दबाव बनता है और चीजें जो हो जानी चाहिए उसमें कहीं देरी हो जाती है? ये बिल्कुल आपने ठीक कहा। दरअसल में इस सारे मामले में, जैसा कि मैंने पहले भी कहा है, कि ये बाढ़ इस बार साधारण नहीं है, लगभग 350-350 इसमें डेथ हो चुकी हैं अब तक, और करीब 25,000-30,000 इसमें मकान गिरे हुए हैं, और फसल इसमें बर्बाद हुई है, लगभग 12,000 करोड़ की इसमें फसल बर्बाद हुई है। सोयाबीन पूरी तरीके से ख़त्म है, मूंग पूरी तरीके से ख़त्म है, मक्का पूरी तरीके से ख़त्म है, ज्वार पूरी तरीके से ख़त्म है, बल्कि जो भादों और कातक में मूंगफली आने वाली थी वो गल चुकी है पूरी तरीके से, कहाँ पर कितनी हो सकती। ऐसी स्थिति में भी एक दूसरे को कटघरे में खड़ा करना ये आश्चर्यजनक है। उसका एक कारण है कि विधानसभा में कांग्रेस ने अपनी सरकार बनाई, ठीक है एक दो सीट उनकी कम रह गई, लेकिन उन्होंने सरकार बनाई, लेकिन उलट करके लोकसभा में भाजपा को मिला बहुमत मिला, तो दोनों ही पार्टियों को कहीं ना कहीं अपनी फिर से पकड़ मजबूत करने और बनाए रखने की जद्दोजहद में एक दूसरे पर आरोप बहुत ज़्यादा है कि मेरी कमीज साफ क्यों, तेरी कमीज गंदी क्यों। मैं समझता हूँ एक जमाना हुआ करता था राजनीति में, जब सकारात्मक बात होती थी, व्यक्ति अपने कार्यक्रम देता था कि हमें आप जिताइए, हम ऐसा ऐसा करेंगे, सरकार में आकर के भी
कार्यक्रम किए जाते थे कि 1, 2, 3, 4 ये काम कर रहे हैं। ये पहला ऐसा मौका है मध्य प्रदेश में सरकार अगर बदली है तो एक दूसरे पर आरोप चल रहे हैं। मुझे लग रहा है कि कांग्रेस 15 साल तक विपक्ष में रही तो वो इस बात को भूल ही गई है कि हम सरकार में आ गए हैं। उनको ताबड़तोड़ तरीके से ये पीड़ितों की जो मदद का उठाना चाहिए था वो मैं समझता हूँ उन्होंने आरोप लगाने का काम पहले किया। ये बात जो मैंने पहले कहा केंद्र सरकार को रिपोर्ट का इंतजार किए हुए बिना उनको कुछ पैसा रिलीज करना था, इसके बरखिलाफ राज्य सरकार को भी जब उनको लग गया था कि इतना हो गया है तो टेंटेटिव एक रिपोर्ट उनको भेज ही देना था कि डिमांड नोट के भाई आप हमको इतनी तो टेंटेटिव दे दीजिए उसके बाद अपन हिसाब कर लेंगे। ऐसे उदाहरण है, इसी देश में उदाहरण है, कई बार टेंटेटिव राशि केंद्र सरकार से आ गई और बाद में थोड़ा सा कम हुआ तो वो कहीं दूसरे खातों में भी एडजस्ट हुई है। मान लीजिए आपदा प्रबंधन में कुछ पैसा ज्यादा आ गया तो वो दूसरे गैर योजनागत खर्चों में एडजस्ट भी हुई है। तो ऐसे बहुत सारे रास्ते हो सकते थे। तो मैं समझता हूँ इनको भी रिपोर्ट भेजना थी जो अभी तक नहीं भेजी, अब 24 को देंगे। वो बिना रिपोर्ट के उनको भी पैसा देना था वो भी उन्होंने अभी तक नहीं दिया। मैं समझता हूँ जो हो गया पीछे जाने में कोई लाभ नहीं है। दोनों ही पार्टियों को एक दूसरे पर आरोप लगाना बंद करना चाहिए और दोनों ही पार्टियों को इस मामले में सहयोग का रवैया करके पीड़ितों की मदद करना चाहिए। आप कल्पना करिए कि 350 अगर लोग मर गए हैं तो उनके घरों में क्या हालत होगी। इसके अलावा जानवर कितने बने हैं, जानवरों की तो गिनती नहीं हो रही। तो पानी जब फ्लड आया है तो जानवर बंधे थे वो बेचारे बंधे के बंधे खूंटे पर रह गए। तो किसानों को जो नुकसान हुआ है मैं समझता हूँ उनके आंसू पहुंचने की जरूरत है, उनको सहायता पहुंचाने की जरूरत है। मिथुन, किस तरह आंसू पहुंचेगी सरकार, किस तरह सहायता पहुंचाएगी, जिस तरह की बात हम कर रहे हैं कि 22 से 15 अक्टूबर तक मदद करने की बात की, राहत राशि पहुंचाने की बात की जा रही है। जो परेशान हालत जैसे कि बताया कि बहुत सारे पशु बह गए हैं, बहुत सारे नुकसान किसानों को हुए, अगर हम देखें किसान पर बार बार मुसीबतें आती तो किस तरह सरकार उन पर मरहम लगाएगी, हम ये समझना चाह रहे हैं। जबकि बजट की जब बात की जा रही है तो बजट सरकार के पास उतना नहीं है जिस तरह के वो ऐलान करती। देखिए नुसरत जी, मुख्यमंत्री जी स्वयं स्पष्ट कर चुके हैं इस मामले में कि केंद्र की सरकार से हम मांग तो कर रहे हैं लेकिन केंद्र की सरकार यदि मदद नहीं भी करती पर अभी है तो बिना केंद्र की मदद के ही घोषणा, मैं वही कह रहा हूँ, केंद्र की मदद के बिना घोषणा भी की है और उसके बाद राहत सामग्री भी पहुंचाई जा रही है एक रेगुलर बेसिस पे। उस राहत सामग्री को पहुंचाने का काम तो हम कर ही रहे हैं लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग, अभी महेश जी बड़ी बातें कर रहे थे कि हम सवाल दिया है, मैं केवल जवाब दे रहा हूँ, मैं तो केवल जवाब दे रहा हूँ कि जब मंदसौर में 6 किसानों को मार दिया गया था तब शिवराज जी नहीं पहुंचे थे, आज पहुंच गए हैं राजनीति खेलने के लिए। फिर हम मुद्दे से भटक रहे हैं, समय की कमी है। मिथुन, कम लफ्जों में चाहूंगी कि आप जवाब दें कि किस तरह मदद की तैयारी है सरकार की। देखिए इसके बाद जो सर्वे बेसिस पे जो राशि आएगी डायरेक्ट किसानों के खाते में पहुंचाया जाएगा। इसके बाद जैसे कोई व्यक्ति अगर उसको कोई गंभीर बीमारी इस समय में हो गई है तो जो अभी जो प्राइमरी फैसिलिटी उसको मदद मिल जा रही है उसको हॉस्पिटल्स तक पहुंचाने का काम किया जा रहा है। इसके साथ साथ जो जिनकी फसल जो है वो बर्बाद हो गई है, गांवों के रिकंस्ट्रक्शन की जहां तक बात होती है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर बेस्ड जो इस समय में जो डिस्ट्रक्शन हो जाता है उसको वापस बनाने का काम किया जाता है। तो पूरी की पूरी जो एक व्यवस्था बनाने का काम है वो पूरी व्यवस्था बनाने का काम किया जाएगा। एक बार जब पानी उतर जाता है उसके बाद सारी टीमें एक प्रॉपर चैनल के जरिए अपना काम कर सकती हैं। अब क्योंकि समय कम है इसलिए मैं महेश जी की बातों का जवाब ना देते हुए बेहद पॉजिटिव नोट पर कहना चाहूंगा, सभी का मुद्दा यही होना चाहिए कि किस तरह जो परेशान हाल जो पीड़ित लोग हैं उन तक मदद पहुंचे और उनका उन पर मरहम लगाया जा सके, क्योंकि वक्त ऐसा है, परेशानी की घड़ी। और किसानों की अगर हम बार बार बात करते हैं, उनकी परेशानियों की बात करते हैं, तो उनको मदद कितनी जल्दी से जल्दी पहुंच सकती है इस पर ध्यान देना जरूरी है। चलिए, आप तीनों का हमारी चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत शुक्रिया। तो हमारी इस चर्चा में बस इतना ही। देश और दुनिया की ताज़ा खबरों के लिए आप बने रहें DNN के साथ।